अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रैप। ये मेरी खुद की रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चिकन रैप बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी मैं वो शो करवा देती हूँ। यहाँ मैंने चिकन ली है जिसको इस तरीके से कट कर लिया था, ये हाफ के जी चिकन है। सो व्यूवर्स, अब मैं यहाँ स्पाइसिस की तरफ आती हूँ। 1.5 टेबल स्पून यहाँ मैंने टिक्का पाउडर लिया है, 1/2 टी स्पून पेपरिका पाउडर लिया है, 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 1/2 टी स्पून जिंजर गार्लिक पाउडर लिया है। यहाँ मैंने चाट मसाले लिया है जो दही बड़ों में यूज़ करते हैं जस्ट फॉर फ्लेवर, और यहाँ मैंने थोड़ा सा बिरयानी का फूड कलर लिया है। देन यहाँ मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर लिया है, जो अब मैं इसको मैरिनेशन के अंदर यूज़ करूँगी। तो चले आइए हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। पेपरिका पाउडर, टिक्का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, जिंजर गार्लिक पाउडर, चाट मसाला एंड या फूड कलर बिरयानी का। देन 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून हॉट सॉस लेंगे हम, 1 टेबल स्पून विनेगर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं विनेगर की जगह। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से स्पाइसेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। काफी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम ये बॉक्स पैक करके 1/2 आवर से 1 आवर तक छोड़ देंगे। सो व्यूवर्स, चिकन यहाँ मैरिनेट हो चुकी थी, इसको 1/2 आवर हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया है। धनिया हम चिकन को फ्राई करेंगे अच्छी तरह, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। सो व्यूवर्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। इसके अंदर मैंने मैरिनेशन के वक्त सॉल्ट ऐड नहीं किया था, वो इसीलिए क्योंकि टिक्का पाउडर के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो आप लोग सॉल्ट ऐड नहीं करिएगा। ये देखें, ये ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। सो व्यूवर्स, यहाँ पे सब कुछ रेडी है। मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स शो करवा देती हूँ। यहाँ मैंने सैलेड बनाया है जिसके अंदर मैंने कैप्सिकम ली है, कुकुम्बर, कैबेज और कोरिएंडर। ये चिकन की रेसिपी मैंने आपको बता दी थी। देन यहाँ मैंने केचप, ग्रीन चटनी, गार्लिक मेयो और क्रीमी मेयो लिया है। यहाँ मैंने टोर्टिला ब्रेड्स ली हैं जिसको मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा कलर दे दिया था, आप लोग देख सकते हैं। तो चलें हम अपना रैप बनाना स्टार्ट करते हैं। सो व्यूवर्स, सबसे पहले यहाँ हम एक टोर्टिला ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड लेने के बाद हम यहाँ इस पर चटनी, केचप, क्रीमी मेयो, गार्लिक मेयो, ये हम इस पे स्प्रेड करेंगे। इस पे अच्छी तरह ये आप लोगों ने स्प्रेड करना है। ये इस पे अच्छी तरह स्प्रिंकल कर दिया है। अब यहाँ हम सैलेड लेंगे, यहाँ इस पे हम सैलेड लगाएंगे। आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जो जो चीज़ें आप लोगों को पसंद हो। अब सैलेड के बाद यहाँ हम चिकन लेंगे।
तो यहाँ हमने चिकन भी ऐड कर दिया। अब आप लोग चाहें तो इसको ऊपर से इस तरीके से डाल दीजिएगा, अगर आप लोगों को डालनी हो तो, वरना जो हमने स्प्रिंकल किया था वो भी इनफ था। थोड़ा सा स्पाइसी करना हो तो ये चटनी ऐड कर दीजिएगा। देन अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ हम इसमें टूथपिक लगा देंगे। देन ये टोर्टिला ब्रेड रेडी है। इसी तरीके से मैं सारे रेडी करती हूँ। सो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, मैं आपको करीब से भी शो करवा देती हूँ। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।